नमस्कार सरकार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सोनी क्लासेस के डायरेक्टर कुलदीप सोनी जी। और कुलदीप जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, विशेषकर यदि युवाओं की हम बात करें, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड यदि हम बात करें, तो क्या कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनसे उनको पढ़ाई में अच्छा सक्सेस भी मिल सकती है, अपने कैरियर को भी अच्छा बना सकते हैं? सबसे पहले नमस्कार सर जी। मेरे हिसाब से अगर इम्प्रूवमेंट करना है आज के नौजवानों में, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिफ्थ क्लास तक का जो एक सिलेबस होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, और वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्कूल में जाके बोलते हैं पेरेंट्स की भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के सामने घर पे पेरेंट्स झगड़ा करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं, हमने अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तभी बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। इसके अलावा जैसे 6 to 10 मेरे हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट की गाइड नहीं होनी चाहिए। हेल्प बुक जिसको आप बोलते हो, चाहे वो दीपक है, मीडिया है, सोनी है, अलग से कोई भी है, मार्केट में बहुत सारी गाइड, हेल्प बुक नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, अच्छे अच्छे राइटरों की बुक्स होनी चाहिए। फिर पॉइंट आता प्लस वन और प्लस टू, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है आफ्टर प्लस टू बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, हमें किस डायरेक्शन जाना है। मेरे हिसाब से वीक में एक बार एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें उनको गाइड किया जाए कि आफ्टर प्लस टू आपने क्या करना है, क्या स्कोप है, किस साइड का, किस चीज़ में आपने, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके विषय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहिए। सिलेबस एक अलग मैटर होता है, 365 दिन होते हैं, वो एक नॉर्मल होता है, 8-9 महीने में सिलेबस ईजिली कम्प्लीट हो सकता है, लेकिन आफ्टर प्लस टू वो किसी जब कोई एग्ज़ाम या टेस्ट में बैठता ना, तो वहाँ पर वो बिल्कुल फेल हो जाता है क्लियर। उसका रीज़न है कि उसको पूरा एनुअल जो सिस्टम होता है उसमें उसको गाइड नहीं किया जाता। तो सोसाइटी का कितना रोल मानते हैं बच्चे? सोसाइटी का मेरे हिसाब से सोसाइटी अहम है। अगर सोसाइटी अच्छे ढंग से डील करें नौजवानों के साथ, अब नौजवानों की इतनी समस्याएं होती हैं, उनको हर पॉइंट पे नीचा दिखाया जाता है, तो सोसाइटी को चाहिए, सोसाइटी में हम खुद भी आ जाते हैं, सोसाइटी में नौजवान भी इंक्लूड है, ये नहीं है कि भी वो सोसाइटी से अलग है, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उसको अपना समझना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी भी नौजवान को, उसको दिखा समाज को चाहिए कि एक जो क्या नाम है नौजवान है उसकी इस समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बिना मतलब कुछ नहीं चल सकता। अगर कोई भी देश है, 204 कंट्री में अपना एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान है, लेकिन हम फिर भी नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं, उसका रीज़न क्या है? नौजवान को अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं पता है। कुलदीप जी, यदि स्टूडेंट्स की और टीचर्स के तालमेल की हम बात करें, उसका कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? स्टूडेंट और टीचर तो मेरे हिसाब से क्या नाम है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग तो करना असंभव है, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। और इनकी अगर बात करें, रिलेशन की बात करें, या इनका जो संबंध होता है वो बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है जैसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे स्टूडेंट टीचर के बिना नहीं रह सकता और टीचर स्टूडेंट के बिना नहीं रह सकता। तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि जितने भी इस दुनिया में टीचर हैं, अगर हर टीचर एक स्टूडेंट को भी सफल बना देता है, तो ये पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। ये थे हमारे साथ चर्चा में शामिल सोनी क्लासेस के डायरेक्टर कुलदीप सोनी जी। इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, इनका जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो यही है, हर एक टीचर का ड्रीम होना चाहिए, उसके द्वारा जिस भी स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है वो अपने जीवन में सक्सेस हो। ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी के माध्यम से इसको सक्सेस मिले, अपने जीवन में कैसे जीवन जीना है, अपने व्यवहार को कैसे, आचरण को कैसे सुधारना है, इसकी भी इन्होंने मुख्य रूप से बात कही। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट्स है उसके घर के माहौल के बाद सुकून का माहौल और उसके बाद जो उसकी सोसाइटी है उसके ऊपर भी उसका निर्माण निश्चित रूप से निर्भर होता है। जिनसे संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आज्ञा है।